चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया पर लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे संवाद करना हो, मीटिंग करनी हो, मैसेज करना हो या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना हो, प्रायकर सभी चीज़ें लैपटॉप और फ़ोन तक सीमित हो गई हैं। ऐसे में इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। जो इस सोशल मीडिया से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो या गूगल हो या कोई और कंपनी हो, उनमें अपना एक एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई देता है और इसी की वजह से बहुत सी सरकारों और इन कंपनियों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप समझ ही गए होंगे कि आज का विषय किस चीज़ से और किस विषय से संबंधित है। आज का विषय हमारा है ऑस्ट्रेलिया का नया कानून और फेसबुक। इसी तरह के घटनाक्रम को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार और फेसबुक के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आइए देखते हैं ये पूरा विषय क्या है, क्या मामला है और इसके क्या भविष्य के अंदर किस तरह के नतीजे हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज सर्विस और इमरजेंसी पोस्ट बंद कर दी है, यानी अब वहां के लोगों को फेसबुक फीड पर न्यूज पोस्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इससे संबंधित ऑस्ट्रेलिया सरकार एक कानून लेकर आई है और जब फेसबुक ने ये फैसला लिया तो इस पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आपत्ति भी जताई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री समेत फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों को फोन कर इसके संबंध में अपनी आपत्ति भी जताई है। इससे पहले गूगल भी ये संकेत दे चुका था कि वो ऑस्ट्रेलिया में और अन्य देशों में अपने न्यूज फीड को बंद कर देगा। तो इसी वजह से ये पूरा मुद्दा अभी चर्चा में बना हुआ है। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो मोटा मोटा ये मामला आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कमाई से जुड़ा हुआ है। फेसबुक और गूगल पर जो न्यूज़ कंटेंट दिखाया जाता है, ये वही न्यूज़ कंटेंट होता है जो कोई भी न्यूज़ वेबसाइट या न्यूज़ कंपनी बनाती है, लेकिन इससे किसी भी न्यूज़ एजेंसी को फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ये कंटेंट फेसबुक या इंस्टाग्राम या दूसरे जैसे गूगल इन सब पे जाता है। तो ये सारा काम तो करती हैं न्यूज़ एजेंसियाँ, लेकिन इससे कमाई होती है फेसबुक को, गूगल को इत्यादि को। इसी की वजह से ये विवाद शुरू होता है। तो इस कमाई को रोकने के लिए या इस कमाई को बराबर बांटने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक बिल लेकर आई थी। इस बिल में प्रावधान है कि फेसबुक और गूगल जैसी टेक कंपनियों को न्यूज़ कंटेंट से अच्छी खासी कमाई होती है और इसलिए वो अपनी कमाई का एक हिस्सा न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ शेयर करेंगी। इस पर फेसबुक और गूगल दोनों को आपत्ति है। ये बिल ऑस्ट्रेलिया के संसद के निचले सदन में पास हो चुका है और इसको अभी सीनेट में पास होना है, लेकिन सीनेट की जो स्थिति है उससे साफ साफ पता है, चल रहा है कि ये सीनेट में भी आसानी से पास हो जाएगा। जैसे ही ये बिल सीनेट में पास हो जाएगा, वैसे ही ये बिल कानून की शक्ल में सामने आ जाएगा और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में डिजिटल विज्ञापन पर खर्च होने वाले 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में से गूगल के पास $53 और फेसबुक के पास $28 जाते हैं तो उसमें विभाजन दिखाई देगा और वो जो है पैसा न्यूज़ कंपनी के साथ शेयर होने लगेगा। इसी वजह से ये सारा विवाद भी है। इस सारे मुद्दे पर फेसबुक और गूगल का क्या कहना है, यानी कि फेसबुक और गूगल का इस पे क्या मत है। फेसबुक का इस पे सीधा सीधा ये कहना है कि उन्हें जो है ये ऑस्ट्रेलियाई सरकार का फैसला पसंद नहीं आया। उनका ये कहना है कि हमारे पास इस समय दो विकल्प है और दो विकल्प में से पहला विकल्प ये है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कानून को, आने वाले कानून को हम खुशी खुशी मान लें, और दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि हम न्यूज़ कंटेंट को अपने फेसबुक पे दिखाना ही बंद कर दें। और बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम ये दूसरा विकल्प चुन रहे हैं, यानी कि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना है। तो सीधा सीधा ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर उनकी तरफ से एक तरीके का दबाव भी बनाया जा रहा है कि देखिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप ही को हमें पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप हम पे निर्भर हैं। तो ये एक अराजकता वाली, मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि तानाशाही वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से
गूगल कंपनी ने भी शुरू में ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन की सर्विस बंद करने के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो है सर्च इंजन सर्विस बंद कर दें, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ उन्होंने समझौते कर लिए थे और ऐसे समझौते इन्होंने अन्य देशों में भी किए हैं। तो इनका जो एटीट्यूड है वो कंपेयर टू फेसबुक थोड़ा अलग है। इन्होंने समझौते कर लिए पब्लिशर्स के साथ, यानी कि उनको कुछ शेयर दिया होगा, कुछ अपने पास रखा होगा या ज़्यादा अपने पास रखा होगा, उनको कम दिया होगा, वो तो जो भी स्थिति होगी उसके बारे में हम इसमें नहीं बात करेंगे, वो काफ़ी डिटेल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये दोनों का अलग अलग ये है पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस पूरे मामले पे ऑस्ट्रेलिया की सरकार का क्या पक्ष है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टॉक मैरिसन ने कहा है कि फेसबुक का ये कदम साबित करता है कि बड़ी टेक कंपनियां सोचती हैं कि वो सरकारों से बड़ी हो गई हैं और उन पर कोई नियम लागू नहीं होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से, जैसे एक तरफ हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट का स्टेटमेंट सुना और दूसरी तरफ हमने फेसबुक का भी स्टेटमेंट सुना, तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि टकराव और विवाद गहरा ही होने वाला है, समझौते की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या और कहीं भी इस तरह के कानून बने हैं, यानी कि दूसरे देशों में भी इस तरह के कानून बने हैं क्या। मार्च 2019 की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन इसी तरह का एक कानून लेकर आया था और इसके आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 पर विवाद भी हुआ था। अब ये क्या है आर्टिकल 11 और 13? आर्टिकल 11 में प्रावधान है कि सर्च इंजन को न्यूज़ वेबसाइट को उसके कंटेंट के लिए पैसा देना होगा, यानी कि जो क्लॉज अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी जोड़ा है, तो इस पे भी विवाद हुआ था। और दूसरा था आर्टिकल 13, इसमें ये कहा गया था कि बड़ी टेक कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर आए कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदार होगी, खास तौर पर ऐसे कंटेंट के लिए जो बिना कॉपीराइट के पोस्ट होता है, यानी कि जो भी कंटेंट ये कंपनियां छापती हैं या दिखाती हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, सीधे सीधे वो कंपनियां उसके लिए जवाबदेह होगी। तो ये इन दोनों पे विवाद हुआ था। फिर इसके अंदर कुछ और देश भी हैं जो इस तरह के कानूनों से संबंधित हैं, जैसे कि इस यूरोपियन यूनियन के कानून के बाद गूगल ने फ्रांस के न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ एक डील की, और फ्रांस के अलावा गूगल ने जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के 450 से ज़्यादा न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ पार्टनरशिप की है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि गूगल का रवैया जो है फेसबुक के कंपैरिजन में थोड़ा नरम है, पर ये मुद्दा पूरे विश्व में इस समय पे फैला हुआ भी है, ये भी यहाँ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी कि भारत को भी क्या इसी तरीके के कानून को लाना चाहिए? ऐसा सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि भारत में तो विश्व में दूसरे नंबर पर है आबादी में, और यहाँ सोशल मीडिया को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। उसके अलावा यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो कंटेंट आता है, वो कंटेंट जो हमें दिखाई देता है, आइदर वो व्हाट्सएप हो और वो फेसबुक हो, उनमें कॉपीराइट का इशू होता है और उनके सच और झूठ होने का भी बहुत बड़ा इशू होता है। तो क्या भारत में इस तरह का कानून लाया जाना चाहिए? तो ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद दुनिया भर की सरकारें ऐसे कानून ला सकती हैं जिन न्यूज़ पब्लिशर के कंटेंट से फेसबुक और गूगल की कमाई हो रही है, उनके साथ तो उन्हें अपना रेवेन्यू शेयर करना ही चाहिए। ऐसा लगभग सभी सरकारों का मानना है और कहीं ना कहीं भारत का भी ऐसा ही मानना है। अब अगर मान लीजिए भारत के अंदर ये कानून आ जाता है, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भारत में अगर कानून बना तो भी कंपनियां कंटेंट नियंत्रण में रखेंगी या नहीं, मतलब कंटेंट पे नियंत्रण किसका होगा? अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भारत में अगर कानून बनता भी है तो भी कंपनियां कंटेंट नियंत्रित करेगी या नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ है कि गूगल लगभग 50 न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ समझौता कर चुका है। अगर भारत में ऑस्ट्रेलिया की तरह कानून बन भी जाता है तो इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, रेवेन्यू शेयरिंग समाधान नहीं है और समस्या इससे भी ज़्यादा गंभीर है। मान लीजिए रेवेन्यू शेयरिंग हो भी जाता है, लेकिन जो समस्या बनी हुई है कि हमारे कंटेंट पे इन कंपनियों का नियंत्रण और उनके पास डाटा का जो कलेक्शन है, वो एक गंभीर प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये कंपनियां हमारे हर छोटे छोटे दुकानदार, घर और हर जगह तक इनकी पहुंच है,
और इसी वजह से हमें जो है इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत भी है। तो भारत को ना केवल लोगों से रेवेन्यू को लेकर समझौता करना चाहिए, लेकिन जो अपना कानून लाना चाहिए उसमें भारत सरकार को ये प्रावधान करना होगा कि डेटा नीतियों के अंदर बदलाव हो। डाटा नीतियों के अंदर अगर बदलाव होगा तभी इसका कोई स्थायी समाधान निकल सकता है। अदरवाइज ये कंपनियां अपने हिसाब से सरकारों को, देश को चलाने में अब सक्षम हो चुकी हैं और इनसे डील करना भी भविष्य के अंदर और ज़्यादा कठिन ही होगा, आसान नहीं होगा। मान लीजिए कि ये कानून बन जाता है भारत में, तो इसका आम आदमी से लेकर कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, किसको फ़ायदा होगा और किसको क्या फ़ायदा होगा? तो आम आदमी को सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी का जर्नलिज्म और न्यूज़ कंटेंट मिलेगा। अच्छी क्वालिटी से यहाँ पे मतलब है क्योंकि हर कंपनी समझौते के से बाध्य होगी या कानून के डर से वो कोई विवादास्पद चीज़ को नहीं लेके आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे दंगे तक हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं आ पाएंगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी ठोस आएगी, यानी कि भड़काऊ चीज़ें नहीं आ पाएंगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि भारत में कई कानून लाए गए और उन कानूनों पर आपको दो तरह की अवधारणा के कंटेंट मिल जाएंगे और उन दोनों में से किसी को भी सुन लो दोनों ही सही दिखाई देते हैं। तो इस तरह के कंटेंट क्यों आते हैं जब किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को ये भय नहीं होता कि अगर हम बिना जांच पड़ताल के, बिना कॉपीराइट के हम चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे ले भी आते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई ख़तरा नहीं होता तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर इतने डीपली चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं कि उनको जो है बहुत डीप नॉलेज हो और वो उसको एनालाइज कर पाए। चलते फिरते वो जो चीज़ें देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं और उसी का परिणाम ये भी हो रहा है कि पिछले 2 सालों से भारत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो असल में शायद है ही नहीं। तो इस तरह का अगर आ जाता है तो न्यूज़ क्वालिटी बढ़िया होगी, जर्नलिज्म और न्यूज़ कंटेंट बढ़िया होगा, तो इससे जो कंटेंट लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म पे वो बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा इसमें ये है कि मीडिया कंपनियों को उनके जर्नलिज्म और कंटेंट के लिए हिस्सा मिलेगा, जिससे डिजिटल न्यूज़ कंपनियों के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ कंपनियां आती हैं उनको जब पैसा मिलेगा तो वो सक्षम आर्थिक रूप से होंगे और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी जो भी संस्था है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकेंगे। ये दूसरा आर्थिक इसका फ़ायदा होगा। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि गूगल और फेसबुक को ऐसा कंटेंट मिल सकेगा जिसका इस्तेमाल वो लंबे समय तक कर सकते हैं, यानी कि वो भी विवादों से दूर रहेंगे। जो भी चीज़ें होंगी जांच पड़ताल करके होगी। तो मोटे रूप से अगर देखा जाए तो इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से हर तरीके के लाभ ही होने वाले हैं। इस प्रकार आज का जो विषय था उस पर हमने मोटी माटी चर्चा कर ली है, जो इसके मुख्य मुख्य मुद्दे थे। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक से संबंधित न्यूज कंटेंट पोस्ट किस देश के नए कानून से संबंधित है? विकल्प ए इंग्लैंड, विकल्प बी भारत, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया और विकल्प डी अमेरिका। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका सही जवाब है सी, कोहरा। यानी कि ये प्रश्न में जो स्थितियां बताई गई हैं कि इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ये कोहरे की स्थिति होती है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे सभी वीडियोस के PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.